हेलो फ्रेंड्स, हंसवाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों का दोस्त वरुण भाई। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा ओप्पो A3s एंड्रॉयड फ़ोन के नेविगेशन बार में अपने खुद के फोटो या किसी के भी फोटो को आप कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने नेविगेशन बार में अपने खुद के फोटो यहाँ पर सेट कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन के नेविगेशन बार में अपने खुद के फोटो या किसी के भी फोटो को आप सेट करना चाहते हो तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आप लोगों को नेविगेशन बार में फोटो को सेट करने बताऊँगा। और दोस्तों, ये जो मैं आप लोगों को बताऊँगा ये सिर्फ ओप्पो A3s नहीं, आप सभी एंड्रॉइड फोन के नेविगेशन बार में आप सेट कर सकते हैं। तो चले तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ एक घंटे के बटन है उसे नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे हर अपडेट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, इस फोटो को मैं नेविगेशन बार से हटा लेता हूँ। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताऊंगा ताकि आप अपने एंड्रॉइड फोन बहुत ही आसानी से आप सेट कर सके। तो मैं इस फोटो को हटा लेता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं नेविगेशन बार से मैंने फोटो को हटा दिया हूँ, तो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, नेविगेशन बार में फोटो को लगाने के लिए तो सबसे पहले अपने एंड्रॉइड फोन में आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन की जरूरत होगी, तो उसे आपको डाउनलोड करने सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नेविगेशन बार में फोटो को सेट करने बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ऐप को ओपन करने को तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे भी लोडिंग हो रहे, तो ये इस तरह से आपको इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद तो यहाँ पे आपको देखने को गो टू सेटिंग, तो इस पर आपको क्लिक करना है। गो टू सेटिंग पे क्लिक करने को तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको नेविगेशन बार यहाँ पे आपको देखने को मिले सबसे नीचे में, तो इसको आपको इनेबल कर देना है, इसको आपको ऑन कर देना है। तो मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ, देखिए। तो ओके, मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से आपको बैक करना है। इस ऐप को आप अपने एंड्रॉइड फोन में आपको अच्छी तरह से आपको परमिशन दे लेना है, तभी ये ऐप अपने एंड्रॉइड फोन में अच्छी तरह से वर्क करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको देखने को मेरे परमिशन देने को तो आपको इस तरह के इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने के मेरे डायरेक्शन पे आपको दिया जा रहा है, इसको आपको ऑन कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑन ही है। इसके बाद आपको इसको भी आपको ऑन करना है, इसके बाद आपको इसको भी आपको ऑन करना है। तो दोस्तों, अपने एंड्रॉइड फोन के नेविगेशन बार में फोटो को सेट करने के लिए तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। तो मैं स्क्रॉल डाउन यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिला इमेजेस के नीचे में आपको देखने को मिला सेलेक्ट इमेज टू सेट नेविगेशन बार, इस पर आपको क्लिक करना है और यहीं से आप फोटो को आप सेट कर सकते हो। तो इस तरह का आपको इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ऊपर में आपको देखने को मिला सेलेक्ट इमेज, तो इसको आपको इनेबल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिला सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी, इस पर आपको क्लिक करना है। एला पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं फोटो को चूज कर लेता हूँ, देखिए। और यहाँ पे आपको अच्छी तरह से आपको क्रॉप कर लेना है इस फोटो को। आप जिस फोटो को यहाँ पे आप लगाना चाहते हो नेविगेशन बार में, उस फोटो को आपको क्रॉप करना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मैं क्रॉप कर रहा हूँ, देखिए। क्रॉप करने के बाद आपको ऊपर में आपको देखने पूरा क्रॉप, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ से आपको बैक कर लेना है। और ये जो आपको देखने को मिला नेविगेशन बार पे, आपको बैक बटन और होम बटन आपको देखने को मिला वाइट कलर का, तो इसको आप हटाना चाहते हो तो मैं आप लोगों को इसे हटाने में बता देता हूँ। देखिए, तो इसको आपको स्क्रॉल अप करना है। तो यहाँ पे आपको बटन ओपेसिटी आपको देखने को मिल है, तो इसको आपको घटा देना है। तो यहाँ पर घटा लेता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे थे वाइट कलर के बैक बटन और होम बटन और रिसेंट बटन, तो ये हाइड हो चुके हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप हाइड कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसी तरह से अपने फोटो को आप सेट कर सकते हैं। और अगर आप इसे बैक करने के वक्त आप इसे वाइब्रेट करना चाहते हो अपने एंड्रॉइड फोन को, तो आप इसको आपको इनेबल कर देना है। तो आप जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक से ये वाइब्रेट हो जाएंगे। तो यहाँ से भी मैं बैक कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप इसी तरह से अपने एंड्रॉइड फोन के नेविगेशन बार में अपने खुद के फोटो या किसी के भी फोटो को आप सेट कर सकते हैं। और दोस्तों, इस ऐप को आप अपने एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर ऐप में आपको सर्च करना है नेविगेशन बार, यहाँ पे आपको देखने को मेरे देख सकते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ घंटी के बटन है उससे नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे हर अपडेट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो चले, तब मिलता है अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।